रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। इज़ द एक्रोनिम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। ये मुखफ़ है दो या दो से ज़्यादा नंबरों के सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल का। तो पहले हमने सीखा था कि लॉन्ग डिवीजन से कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो आए फाइंड आउट करते हैं एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 24। हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका सीख चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आपने टॉप ऑफ द पेज के ऊपर नंबर लिखना होता है और फिर उसको फैक्टर उसके करने होते हैं। जैसे 8 का 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 4, फिर 4 को 2, 2 से किया। इसी तरह हम नीचे ट्री लेके आते जाते हैं जब सारे उसके जो है फैक्टर हो जाते हैं। अब हमने इनको अलाइन कर लिया, 8 के प्राइम फैक्टर्स, 12 के और 24 के। अब हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब को एनसर्कल किया और फिर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। सो एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 24 इज इक्वल टू 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इन नंबरों का 24 है। तो प्यारे बच्चों, ऐब अपने देखो और उसे दूर करने की फिक्र करो, अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फिक्र करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, हर इंसान की इज्जत उससे मोहब्बत करो क्योंकि हर इंसान में खुदा की कोई ना कोई सिफत मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें हर एक इंसान से इज्जत से, एहतराम से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। अगर आपने आप इखलाक अच्छे करोगे तो हर बंदा आपका दोस्त होगा और आपकी कदर करेगा। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा रहने वाले वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले मोहब्बत करना सीखो और फिर मोहब्बत करना बांटना सीखो, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह से मोहब्बत हमारा मुसलमानों का अवलीन तकाजा है। तो इसके लिए अल्लाह की हदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ना शुरू करो कि मेरे अल्लाह मेरे से बात क्या कर रहा है। तो आए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 21, 27, 51 एंड 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसी तरह 21, 27, 51 और 81 के हमने ट्री बनाए और हम इनको सिंपलीफाई करते नीचे तक, जब हमारे पास कुछ भी डिवाइड करने के नहीं बचेगा तो हम इनके फैक्टर्स को एनसर्कल कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स को। और हम इस तरह एक लाइन में इनको लिख लेते हैं, 21, 27, 51 और 81 के ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब इसमें से दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, हम उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 आ गया, और उसके बाद हमारे पास 73 और 17 जो हैं वो नॉन कॉमन है, यानी वो सब में कॉमन नहीं है। 17 तो अकेला ही है और 3 और 7 दो में कॉमन है। तो अब हमने इनको जो नॉन कॉमन है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और एलसीएम निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9639। तो ये हमारे पास एलसीएम है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का भी तरीका मालूम हो गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर।